नमस्कार, मुझे वो दे दो माउस। बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी का चैप्टर, और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ से हमारे पास क्वेश्चन मिलेगा। तो हमारे पास एक्चुअली मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में ये बुक नहीं थी, MTG की बुक है, इसमें 2017 से दिया हुआ है, तो मैं 17 से बताता हूँ और आज का तो 17 से बता देता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के पास 19 तक का है या 20 तक का है तो आप लोग मुझे सेंड कर दीजिएगा मेरे टेलीग्राम, मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम कर दीजिएगा, मेरा नंबर तो रहता ही है इस पर, 8299 वाले पे कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टी पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है। द एलिमेंट Z114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑब्लिक ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें फैमिली पता चल जाए तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ये है। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा है कि अगर 11103 टू 11118 ये थर्ड ग्रुप का है और ये 18th ग्रुप का है, 4114 फोर्थ ग्रुप का है, 1155 ग्रुप का है, 1166 ग्रुप का है, 1177 सेवन्थ ग्रुप का है, 1114 14th ग्रुप का है, और 14th ग्रुप क्या है, कार्बन फैमिली। तो सिंपल सा आंसर है, ध्यान रखिएगा कि 103 से लेकर, इसे देखिए मैं आपको सुनाऊं, 89 टू 103 ये थर्ड ग्रुप के हैं, ये एक्टिनोइड है। फिर फोर्थ ग्रुप में आता है 114 और फिफ्थ में 105, सिक्स में 106, ठीक है। तो ये याद रखिए 89। अब 88 जो होगा वो सेकेंड ग्रुप में होगा, 87 जो होगा वो फर्स्ट ग्रुप में होगा, ठीक है, फ्रेंसियम और रेडियम। तो ये हमारा 2017 में एक क्वेश्चन आया था, 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंस्टीड अगेंस्ट इट, डज नॉट एग्री। अच्छा, मतलब कौन एग्री नहीं करता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी, ये गलत है। सबसे ज्यादा तो क्लोरीन की होती है, Cl की, F की तो होती नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। ये बुक आपको, ये जो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, ये बुक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, रूबीडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस, ये बिल्कुल सही है। एफ माइनस एन ए प्लस एम जी टू प्लस ए एल थ्री प्लस इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, ये भी सही है। ओ एन सी बी, ये क्या है, एनायसन एंथैल्पी है। तो देखो, N की एनायसन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। अब इसने क्या बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, IBrClF, पहला गलत है, और इंक्रीजिंग फर्स्ट एनायसन एंथैल्पी, फर्स्ट एनायसन एंथैल्पी ओ का ज़्यादा है एन से, ये भी गलत है। मतलब इस बुक के ऑप्शन के हिसाब से पहला और मतलब वन एंड ए एंड डी दोनों गलत है। ये नीट फर्स्ट मुझे लगता है 16 में दो टाइम पर एग्जाम हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, द स्पेसीज
आर्गन के प्लस सी ए टू प्लस कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीजेस? ए आर के प्लस एंड सी ए टू प्लस, तो सबसे ज्यादा ए आर का होगा, फिर के प्लस का होगा, फिर क्या होगा, सी ए टू प्लस का होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास ना, पहला ही ऑप्शन है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 2014 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, ठीक, और आयनिक रेडियाई करेक्टली रिप्रेजेंटेड। तो चलिए, हमें पहला ऑप्शन दिया है H माइनस H प्लस देन न्यूट्रल एटम H, सबसे ज्यादा H माइनस का है, ठीक है, लेकिन फिर H आना चाहिए तब H प्लस आना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड में दिया है Na प्लस F माइनस O के ऊपर दो माइनस, ये भी गलत है, पहले O के ऊपर दो माइनस आना चाहिए, उसका रेडियस ज्यादा है। अच्छा, थर्ड दिया है F माइनस O O पर टू माइनस और Na प्लस, ये भी गलत है, O पर टू माइनस पहले आना चाहिए, F माइनस बाद में आना चाहिए। करेक्ट रिप्रेजेंटेड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर F माइनस और टू माइनस एन ए प्लस। अच्छा बच्चों, इसमें कोई भी ऑप्शन सही, जो जो किताब मेरे पास है इस हिसाब से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एन ए प्लस एफ माइनस और टू माइनस, ये भी गलत है, H माइनस H प्लस एच, ये भी गलत है, F माइनस और टू माइनस एंड एन ए प्लस, ये भी गलत है। एल थ्री प्लस का आयनिक रेडियाई सबसे कम होगा, मतलब एम जी टू प्लस से कम होगा, और एम जी टू प्लस का Na3 माइनस से कम होगा, तो इसका मतलब है कि ये भी गलत है, चारों ऑप्शन गलत है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब है कि हमें इस तरह की बुक्स सॉल्व तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, मेरे पास जो आया है मैं उसी को बता रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। हमारे पास फ्लोरीन कार्बन ऑक्सीजन कैल्शियम एल्युमिनियम, फ्लोरीन कार्बन ऑक्सीजन कैल्शियम एल्युमिनियम, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, तब कार्बन का। अच्छा, कैल्शियम एल्युमिनियम में किसका ज्यादा होगा, तो पहले एल्युमिनियम का होगा, फिर कैल्शियम का, क्लोरीन ऑक्सीजन कार्बन, फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया है ये, ठीक है। 2013 में पूछा गया, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। अब चार स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अमंग्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, नहीं, कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनिक रेडियस उतना कम होगा, ये तो गलत है। अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन स्मॉलर द आयनिक रेडियाई, तो ये तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, हमको तो गलत ही पूछा है। अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर इज द आयनिक रेडियाई, ये सही है, आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज ऑन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये भी सही है। एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेज एज वन मूव अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट द सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये भी सही है। तो गलत क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है हमारा, मतलब जैसे जैसे कैटायन पे ऊपर चार्ज बढ़ता है उसका रेडियस घटता है, ये कह रहा है कि अगर चार्ज कम होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, मतलब गलत है। ये 2012 का क्वेश्चन था, 2011 में मेन और एडवांस मेन मतलब दो हुआ करता था, एक प्री हुआ करता था, मेन हुआ करता था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस, Na प्लस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी है आपसे,
और Na की आयनाइजेशन एनर्जी आपको दी हुई है, IE फर्स्ट ऑफ Na आपको दिया है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, Na I फर्स्ट Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और आपको इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बतानी है, मतलब इसी रिएक्शन को पलट देना, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Na I फर्स्ट। ये जो I फर्स्ट है यही क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है Na प्लस के लिए कितना 5.1। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो इसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव, मतलब ये प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो रहा है नेगेटिव, तो माइनस 5.1 बोलेंगे हम इसको। 2010 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अब चार आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया है। मुझे ये समझ में आ गया कि आप लोगों को भी एक बात समझ में आ गई कि जो लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब रेडियाई पे ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप लोगों को रेडियाई पे हमको ये पेपर सॉल्व करते समय ये आइडिया ज़रूर मिलेगा कि किस चीज़ पे फोकस करना है, तो हमें रेडियाई पे बहुत फोकस करना है। तो इसमें Ca2+ K+S2-Cl- है, तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा इसका, करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा S2-Cl-K+Ca2+। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है, जिसमें प्रोटॉन कम होंगे उसका साइज बड़ा होगा, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये हुआ 2010 तक का क्वेश्चन। अब हम एक मिनट, हाँ 2010 में दो तीन क्वेश्चन पूछे गए, ये तो पहला क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, और इसमें ऑक्सीजन सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर सल्फर का, तो ऑक्सीजन का, ये आंसर है इसका, ये एक ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में, मतलब हमारे इसमें तो 10 दिया हुआ है लेकिन 2010 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, अमंग द एलिमेंट CaMgPCl द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई, CaMgPCl में सबसे छोटा साइज Cl का है, फिर P का है, फिर Mg का है, फिर Ca का है, मतलब सबसे बड़ा साइज जो होगा वो Ca का होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें तो 11 दिया हुआ है लेकिन वो भी 2010 का ही है, अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज द हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो, कैटायन टू एनायन साइज रेशियो, इसके अंदर कई कैटायन एनायन नहीं हुए, कैटायन आपको सबसे बड़ा चाहिए वो है Cg और एनायन सबसे छोटा चाहिए वो कौन है, F-। ये जो रेशियो होगा वो हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 2010 तक हुआ। अब अगली जो उसमें मिलेंगे तो आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आप लोग कोशिश करिएगा कि मुझे अगर आपके पास हो 2019 तक या 2020 तक का कोई भी MTG अरिहंत किसी का, तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मेरे पास नहीं है। ठीक है, नमस्कार।